तो दोस्तों ये है वीडियो का इंट्रो जिसमें आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा स्लो मोशन में गन कैसा काम करता है। तो ये नो लाइसेंसिंग वेपन है, आज इसी का स्लो मोशन में आप लोगों को बहुत तरीके का शूटिंग करके दिखाएंगे और स्लो मोशन में ये किस तरीके का पावर रहता है और किस तरीके से ये काम करता है। ये देखिए मैंने और भी स्लो कर दिया इस दूसरे कैमरे एंगल में, मैं 2-4 कैमरे लगाऊंगा और उनका सारों का स्लो मोशन करके जिसमें सबसे बढ़िया फ्रेम आएगा वही मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आइए दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। आज आप लोगों की बहुत शिकायत थी, मैं इन CO2 पिस्टल का जो भी मेरे पास नो लाइसेंसिंग वेपन है ये इनका फुल डिटेल में मैं आज वीडियो बनाने वाला हूं। तो ये पहले हमारे पास है शुचाम का, ये 9mm जैसी लगने वाली ओरिजिनल की तरह लुक लगने वाला ये गन, और दूसरा हमारे पास है ये ब्रेटे का, ये जर्मन मेड है। और इन दोनों में कॉमन ये है कि ये दोनों सेम लगती हैं, ये देखिए सेम इनका है 9mm की तरह ये लगती हैं। और इनका जो मैग्निफिकेशन दे रखा है थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये CO2 एयरगन है और ये फुल मेटल में है, ब्लो बैग है और इसमें कोई बॉक्स शूटिंग सिस्टम है, पता नहीं ये क्या चीज़ है, ये अपने को उतना ज़्यादा पता नहीं है। और इसमें CO2 सिलेंडर लगते हैं और ये देखिए दोस्तों एक ये है और ये भी CO2 सिलेंडर लगता है इसमें और ब्लो बैग है और स्टील बीबी बॉल इसमें डलते हैं और फुल मेटल का है। और इसका जो मैगजीन है 18 राउंड मैगजीन है और इसका 20-21 राउंड का मैगजीन है। तो ये दोनों को आज हम पावर टेस्ट करेंगे अलग अलग तरीके से, ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, बस आज आप लोगों को एक्शन दिखाएंगे। तो एक्शन में ये आप लोगों को एक चीज और आपकी शिकायत रहती है, इनका प्राइस मैं नहीं बताता हूँ, तो ये आपको मिल जाएगा 32,000 का और ये वाला आपको मिलेगा जो ये बिल्कुल ओरिजिनल है, बढ़िया जर्मन मेड है, ये आप लोगों को मिलेगा 40,000 रुपए का। और ये आप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं कहाँ से मिलेगा, आपको लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, फोन नंबर भी आप लोगों को दे दूंगा। तो आज हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं इससे तोड़ने फोड़ने का और इसमें थोड़ा बहुत मैं खोल के भी दिखाऊंगा, इसको सिलेंडर भी कैसे लगता है ये भी मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा और फिर मैं शूटिंग वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा ज्यादा बकवास न करते हुए। तो ये देखिए दोस्तों ये सिलेंडर इसमें लगा के दिखाते हैं और कैसे इसको यूज करते हैं और कैसे मैगजीन लोड करते हैं और बीबी बॉल कैसे डालते हैं ये सारा कुछ। तो देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके की पैकिंग है इसकी, तो इसको खोलते हैं और अंदर से भी आप लोगों को दिखाते हैं और इसमें CO2 सिलेंडर भी वो करते हैं फिल करते हैं। ये देखिए तो ये पहले कुछ गुरु ज्ञान है इसमें, आप ये ले सकते हैं फ्री में मिलेगा आपको ये गुरु ज्ञान कैसे क्या करना है सारा कुछ इसमें, सेफ्टी एफ्टी इसके बारे में और सफाई सफाई के बारे में भी। और फिर कुछ इसमें वो मिलते हैं साथ में बीबी बॉल मिलते हैं और कुछ टोल्स हैं यहाँ पे, ये देखिए कुछ टोल्स हैं यहाँ पे और फिर फाइनली ये मिल जाती है बहुत ही बढ़िया। ये देखिए क्या लुक है, ये डब्बे को साइड में रखता हूँ मैं, ये देखिए दोस्तों ये देखिए क्या लुक है, ये क्या जबरदस्त लुक है और पूरी मार्किंग मुर्किंग हुई है और हाथ में रख के पता चलता है कि पूरा 9mm हाथ में पकड़ी है। कभी आपने अगर 9mm हाथ में ली किसी पुलिस वालों के पास देखे होगे आपने तो बिल्कुल वैसा ही लुक आता है। तो देखिए क्या जबरदस्त लुक है इस गन का, ये देखिए दोस्तों। तो अब इसमें सिलेंडर और बीबी बॉल हम लोड करके आप लोगों को दिखाते हैं फटाफट, इसको करते हैं। ये सिलेंडर है मेरे पास, सिलेंडर सिंपली लोड करने के लिए क्या करना होता है, ये देखिए ये मैगजीन है इसकी, यहाँ पे ये बटन है, इसको बाहर निकालना होता है और ये देखिए यहाँ से ये एलकी से हमारे पास एलकी साथ में आता है, ये देखिए इसमें एलकी है। तो यहाँ से इसको खोलेंगे सबसे पहले, ये देखिए दोस्तों ये कैप एक्स्ट्रा दे रखा है जो यहाँ पे लगता है, तो ये अगर ये आपका खराब हो जाता है, इसमें थ्रेड होते हैं ये खराब हो जाता है तो इसको बाद में आप चेंज कर सकते हैं, बस इसको सिंपली यहाँ से लूज करना है बाहर निकालना है। मैं इसको फटाफट खोल के आप लोगों को दिखाता हूँ, इसको निकालना है और इसको कुछ इस तरीके से इसमें डालना है और ये ऊपर से ये कैप इसमें लगा देना है, ये शायद प्लास्टिक का है थोड़ा हल्का सा लग रहा है मेरे को, और इसको यहाँ से कुछ इस तरीके से लॉक कर देना है और जल्दी से करना है, जैसे आपने सुना होगा थोड़ी सी आवाज़ आई थी तो जल्दी से कर देना एकदम बंद हो जाएगा। अब ये रेडी हो गया, बाकी आप इसमें बीबी बॉल डालते हैं, ये देखिए यहाँ से ये मैगजीन भी है और उसी में CO2 भी लग जाता है, तो इसको यहाँ नीचे करेंगे और ये देखिए यहाँ पर फंसाएंगे थोड़ा नीचे। तो देखिए दोस्तों ये बीबी बॉल है जो आप लोगों को कॉपर में है और इनको कुछ इस तरीके से निकाल के, और ये देखिए ये मैगजीन है और यहाँ पे अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा है थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम हो रही तो इसको नीचे स्लाइड करना है और इसको पूरा नीचे खींचना है और यहाँ पे बॉल डालते रहना है, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों यहाँ से पूरा नीचे खींच के इसमें ये देखिए बीबी बॉल, ये देखिए ये लोड कर दिया है, यहाँ से एक एक करके डालना है, हमने थोड़ा जल्दी जल्दी में कर रहे हैं, हम तो यहाँ पे दुकान में आते रहते हैं कस्टमर, तो इसे तो ऐसे लोड होता है। अब ये रेडी टू शूट है, लोड हो गए, बस सिंपली इसको डालेंगे अब मैगजीन में ऐसे पीछे से और ये हो गया तैयार, बस ब्लो बॉय के ऊपर से पीछे को खींचेंगे तो रेडी टू शूट है ये, ये देखिए दोस्तों। और बाकी ये मार्किंग वर्किंग आप लोग देख रहे होंगे 0.177 में है और ये स्विच आर्म का लिखा हुआ है यहाँ पे,
और नीचे रेल भी लगी हुई है, उसमें माउंट कर सकते हैं, रेड डॉट लगा सकते हैं या कुछ और टॉर्च माउंट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। और सेफ्टी बटन भी इसमें है शायद, क्योंकि ये दे रखा है तो कुछ काम तो करता ही होगा। हाँ ये देखिए दोस्तों, सेफ्टी बटन भी पूरा पूरा काम करता है। अगर आपकी गन लोडेड है तो आपके बच्चे छेड़ते हैं तो उसको सेफ्टी भी लगा सकते हैं आप लोग इसमें। तो दोस्तों दूसरे में भी कुछ इस तरीके से है, दोनों का सेम टू सेम है, बस आप ज्यादा न बोलते हुए एक्शन दिखाते हैं आप लोग। दोस्तों एक्शन शुरू करते हैं। तो एक्शन शुरू करने से पहले, आज नो लाइसेंसी वेपन है ये मेरे पास। जो लोग नहीं जानते इसके बारे में, मैं ऐसी वीडियो डालता हूँ तो वो लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाए, ताकि मैं ऐसी वीडियो जब भी डालूं तो सबसे पहले आपको अपडेट मिलता रहे। तो देखिए दोस्तों, ये है मेरा सेटअप लग चुका है। इधर ये बड़ा वाला कैमरा और इधर ये कैमरा और इधर ये टमाटर अंडे फंडे सारा कुछ, और कुछ ये टारगेट भी मैंने रखे हैं, ये सारा कुछ फोड़ेंगे इसे, नो लाइसेंसी वेपन, इसका पावर दिखाएंगे आज आप लोगों को। तो करते हैं एक्शन शुरू और दिखाते हैं आपको और अपना सेटअप लगा के। और एक जरूरी बात, मास्क लगा के रखिए, बराबर हाथों को सैनिटाइज कीजिए और दो गज की दूरी बना के रखिए। तो आज ये वीडियो मैं अपना मास्क लगा के ही बनाऊंगा आप लोगों के लिए। तो वैसे आपने मेरे को देखा तो है। तो आइए दोस्तों करते हैं वीडियो शुरू। ये कुछ किलिंग स्पॉट के मेरे पास टारगेट है, मैंने तीन रखे हैं, इनको फोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए बॉल से बीचों बीच लगा और एक के टुकड़े टुकड़े कर दिया, दो तीन एक तो उनको भी चोट लगी। ये देखिए दूसरे कैमरे एंगल से स्लो मोशन में और भी ज़्यादा, और ये देखिए कैसे टुकड़े होते हैं इनके। और मैंने दो रखे हैं इस बार, और नीचे लगती है इस बार और नीचे से पूरा तोड़ के ले जाता है। जब बीचों बीच लगता है तो ये बहुत हार्ड होते हैं तो तोड़ नहीं पाता, जब एक साइड में लगता है तो पूरा तोड़ के ले जाता है। अब मैंने टमाटर पर ट्राई मारा, इस बार भी नीचे लगा, कुछ स्प्लिंग स्पोर्ट के टारगेट थे उनको भी तोड़ के ले गया और इसको भी फाड़ दिया। फिर मैंने और उसको स्लो मोशन करके देखा, मैंने दो चार कैमरे लगा रखे हैं अलग अलग एंगल से, तो जो भी एंगल अच्छा लग रहा है वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो देखिए एक बार फिर मैंने ट्राई मारा, इस बार थोड़ा सा ऊपर लगा, फिर भी मज़ा नहीं आया मेरे को। जहाँ से अंदर घुसा वहाँ से तो छोटा सा होल गया, ये दिख रहा है हल्का सा कैमरे में, दूसरे तरफ से बहुत ज़्यादा। फिर एक बार हमने चलाया तो फिर नीचे लग गया। फिर इसी टमाटर को हमने दोबारा फिर शूट किया, तो ये देखिए इस बार, देखिए इस बार भी कुछ खास नहीं हुआ, मज़ा नहीं आया। फिर मैंने क्या किया, दूसरा टमाटर रखा और इस बार बीचों बीच लगा और पूरी खोपड़ी खोल दी, जैसे भेजा फ्राई हो जाता है, गोली मारने में भेजा एकदम खुल जाता है उसी की तरह खुल गया था। ये देखिए कैसा भेजे की तरह खुल गया, ये बहुत ही मज़ा आया। ये शॉट मेरे को सबसे बेस्ट लगा, जब इसके बीचों बीच बजा तो पूरा खुल गया। ये जितना कोमल चीज़ होती है उतना एकदम सॉफ्टली बाहर निकल जाता है, और जितना हार्ड चीज़ होती है उसमें उतना ज़्यादा ब्लास्ट करता है। ये टिंडा था, इसको भी फोड़ा हमने, और अलग अलग कैमरे मैंने लगा रखे, तो अलग अलग कैमरे से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ और थोड़ा स्लो मोशन करके भी दिखा रहा हूँ। और जो बाकी मेरा DSLR कैमरा है, आप जानते हैं कैनन का है 5D Mark IV, उसको मैंने स्लो मोशन करके लगाया। ये वो एंगल है और ये देखिए कैसे फोड़े, ऊपर से चीथड़े चीथड़े उड़ा दिए। बाकी दोस्तों आपके पास कोई आइडिया हो ऐसी इस तरह के स्लो मोशन वीडियो बनाने के लिए, ये देखिए अंडा फ्राई भी किया हमने, अंडे को भी तोड़ने की कोशिश की, कुछ खास आया नहीं इससे में भी, कोई अच्छा एंगल नहीं या फिर बढ़िया उतनी बढ़िया वीडियो नहीं आई। तो आपके पास कोई भी आइडिया हो तो आप मुझे बताइए, मैं उसी पर वीडियो बनाऊंगा, ऐसे स्लो मोशन और नो लाइसेंसी वेपन जो ये हैं जिनके लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, उन्हीं का मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा और आप लोगों को भी मज़ा आएगा। जो चीज़ आप लोग ले सकते हैं वही चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। बाकी लाइसेंस का प्रोसेस बहुत बड़ा है, उसको भी आप लोग अगर उस काबिल है तो ले सकते हैं। बाकी दोस्तों घर पर रहें, सेफ रहें, सैनिटाइज लगाएँ और दो गज की दूरी बना के रखें। कोरोना मेरे को भी हो गया, और मेरे को पहले जब कोरोना हुआ था तभी मेरे को हो गया था। तो इसके बारे में अगर आप लोग स्टोरी जानना चाहेंगे, कैसे हुआ, क्या हुआ सारा कुछ, और क्या क्या प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा मेरे को, ये अगर डिटेल में जानना चाहेंगे तो मैं अपने ब्लॉग चैनल पर डाल दूंगा, आप रिक्वेस्ट कर देना, इस पर कमेंट करके बताना, तो मैं उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।